Sociology of Development, Topic 26. Sustainable Development, Meaning and Definition. Sustainable development is a very important concept in the study of any development paradigm. ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और आज की दुनिया का कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम, डेवलपमेंट कैन नॉट बी सिंपली ग्रोथ एंड इकोनॉमी सेंट्रिक. डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्या कोई हम चलें सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यही सब कुछ जो है इसका मतलब ही development process and this is enough for the society. But it has to bring a blend between growth, human development and environment. Economic growth bhi ho rahi ho society mein, human development bhi ho rahi ho aur saath uska jo environmental connection hai usko bhi understand kiya jaye. Sustainable development ki jitni bhi debates hain, इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि हर सोसाइटी के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में अगर हम अपने नेचुरल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनका मिस यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें हम बर्बाद कर रहे हैं. हमारे जो उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हो, बहुत सी फैक्ट्रीज लगा रहे हो, लेकिन आपके माशरे में जो सेहतमंद आबो हवा है, जो साफ पानी की नदियां बहती हैं, उन्हें आप बर्बाद कर बैठे हैं कि वहां साफ पानी की बजाय वहां पे कोई डर्टी जो चीजें हैं वो बह रही हों. आप अपने पूरी सोसाइटी को बजाय डेवलपमेंट के नाम पे डिफरेंट डिजीजेस दे दें, प्रॉब्लम्स दे दें, तो वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी. तो आज का मॉडर्न कंसेप्ट जो डेवलपमेंट का है उसे हम फिर कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जो हम हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं हम उन पे भी फोकस करते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट दस द पोटेंशियल टू एड्रेस फंडामेंटल चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी नाउ एंड इनटू द फ्यूचर. हम ये नहीं करते कि डेवलपमेंट अपने लिए कर ली, आज इंडस्ट्रीज लगा लें, आज जो कुछ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के रिसोर्सेज हैं वो सारे यूज कर लें, अब्यूज कर लें, मिस यूज कर दें उनका. ये ना सोचें कि हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी. जब हम अपनी आने वाली नस्लों का भी सोच रहे होंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होंगे. अगर ये सब कुछ हम नहीं सोच रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एनवायरमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, जो जो वार्म वेदर के जो चैलेंजेस हैं ये छोड़ के जा रहे होंगे कि उन बेचारों की जो बेसिक लिविंग है, सोसाइटी में रहना ही उनके लिए हम एक चैलेंज बना के अगर आज की नस्लें चली जाएंगी तो इस डेवलपमेंट को हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ टूगेदर विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी, ईच रीइंफोर्सिंग द अदर. कि हम कभी भी जो अपने एनवायरमेंटल सिनेरियोज हैं उन पे कंप्रोमाइज नहीं करते. इन द केस ऑफ डेवलपमेंट हम साथ साथ अपने एनवायरमेंट की कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को संभाल रहे हैं, उसमें जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं. उसकी एक एग्जांपल है कि आज की दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है अर्बनाइजेशन है. बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इतनी बड़ी तादाद में वेस्ट वाटर निकलता है शहरों में. अगर हम इन्हें अपने साफ पानी की नदियों में, दरियाओं में, नालों में डाल देंगे तो अपनी पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक डिस्ट्रक्शन दे देंगे. वो जहां जहां से गंदा पानी, वो केमिकल्स वाला पानी, वो वेस्ट वाटर गुजरेगा, वहां की जमीन को भी खराब करेगा, वहां के जो जो जानवर हैं वो जो पानी पिएंगे वो बीमारियां लेंगे, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट्स में हम कहते हैं कि ओके, अर्बनाइजेशन हमारा मसला है, आज के जमाने में अर्बनाइजेशन हो रही है, तो जो वेस्ट वाटर है हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे. अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग नीड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसका मिसयूज और अब्यूज नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर करेंगे.
ہم اس کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بھی کریں گے، اس میں آنے والی نسلوں کے لیے چیلنجز اور پرابلمز نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں تو ہم ایسے ذرائع سے انرجی پیدا نہیں کریں گے کہ اتنا ہم وارم کر دیں ویدر کو، جیسے آج کل گلوبل وارمنگ کی ڈیبیٹس ہیں کہ ہر سال کچھ حد تک ہمارا جو موسم ہے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں فیکٹریز چل رہی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جو انرجی پیدا کرنے والے جو پاور پلانٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ہر ٹائم ہم اپنی سہولت کے لیے بہت سے اکوپمنٹس لاتے ہیں، ایئر کنڈیشن سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں، تو اپنی سہولت کے لیے ہم ساتھ پوری دنیا کو ایک پرابلم میں ڈال رہے ہیں۔ تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہمیں انرجی چاہیے، لیکن ہم گرین ریسورسز سے انرجی لیں گے، ہم ہائیڈرو پاور لیں گے جو پانی سے پیدا کریں گے، ہم سولر پاور لیں گے، ہم جو آئل بیسڈ ہے، جو کول بیسڈ ہے اس سے اوائڈ کر لیں اگر دنیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سسٹینیبل سولوشنز ہیں انرجی کے۔ اسی طرح ہی فوڈ پیٹرنز میں بھی ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہی نہ ہو کہ جو قابل کاشت زمین ہے وہی ختم کر دیں، کہ وہ جب آنے والی نسلوں کے لیے ہم نہ چھوڑیں یا شہر بنا دیں یا فیکٹریز بنا دیں، وہ ان بیچاروں کے لیے کلٹیویشن کا ہی کوئی نہ رہے۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹس جو ہیں اس میں ڈیفینیٹلی وی فوکس، دیز ڈیبیٹس فوکس آن دا اکنامک گروتھ ٹو دا ہیومن ڈیولپمنٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ڈیبیٹس آر سو مچ کنسرنڈ ود دا انوائرمنٹل ڈائمینشن آف ڈیولپمنٹ ایز ویل۔